एक रोज कबल 5 साल बच्चे के लापता होने का मामला सामने आया था। माँ के हाथों बच्चे को मारने पर बाप बच्चे को अपने साथ ले गया था। लड़की की माँ ने पुलिस को झूठी इत्तला देकर गुमराह करने की कोशिश की थी। बच्चे की माँ काफी अरसे से अपने शौहर से अलग रह रही, शौहर को फंसाने की नीयत से बच्चा चोरी होने की इत्तला पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने बच्चे को उसके वालिद से बाहिफाजत बाजियाब करा लिया है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही और कहा है कि कार्रवाई की जाएगी। वाकया चंदूसी कोतवाली के कस्बे का बताया गया। सूचना प्राप्त हुई थी थाना चलौसी को कि चुन्नी मोहल्ले के पास से एक 5 वर्ष की बच्ची गायब हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय संभल द्वारा तत्काल ही अभियोग पंजीकृत कर 4 टीमों का गठन करवाया गया। डॉग स्क्वाड, सोजी सर्विलांस और स्थानीय पुलिस की टीम बनाकर सभी पहलुओं पर जो है इसकी जाँच की गई। अभियान चलाकर आसपास के सभी क्षेत्रों से सभी लोगों से जानकारी करने का प्रयास किया गया और 24 घंटे के अंदर ही ये बच्ची सकुशल तरीके से बरामद कर ली गई है। और थाना पुलिस द्वारा ये बहुत ही सभी टीमों के द्वारा ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया। सर, क्या खास बात सामने आई है, किस तरह बरामदगी की गई? देखिए, ये मोटिव क्या था? जब सभी टीमों ने अपने तरीके से इसमें जाँच पड़ताल की तो ये मामला प्रकाश में आया था कि ये जो माँ है इस बच्ची की, 5 वर्षीय बच्ची की, उसके द्वारा शुरू से ही पुलिस को गुमराह किया गया था। क्योंकि इस बच्ची से मिलने इसका वास्तविक पिता, जो इस माँ के जिस व्यक्ति के साथ रह रही है उससे पूर्व उसका एक वास्तविक पिता जो था वो मिलने आया हुआ था और शाम को उसकी माँ के समक्ष ही उस बच्ची को अपने साथ ले गया। उसका कहना है कि उस समय ये माँ उसकी मारपीट कर रही थी तो वो बच्चे को लेकर चला गया था। माँ को शुरू से जानकारी थी लेकिन इस माँ द्वारा बच्ची के संबंध में पुलिस को गुमराह किया गया। सर, क्या महिला के खिलाफ भी कोई केस दर्ज किया जा रहा है पुलिस को गुमराह करने के आरोप में? अभी सभी तथ्यों पे गहनता से जानकारी की जा रही है। कोई खास में इस प्रकार के आते हैं आपराधिक तो उस पर भी जाना ठीक है।